एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम आशा रखा गया, लेकिन यह गांव कुछ पुरानी सोच रखने वालों का था, जहां लोग बेटी के जन्म को शुभ नहीं मानते थे। जब आशा पैदा हुई तो उसके माता पिता और परिवार के लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि एक बेटी का पालन पोषण करना उनके लिए मुश्किल होगा और वे उसे मारने का कठोर निर्णय लेने लगे। लेकिन उस समय एक दादी, जो उस परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी, ने आगे आकर कहा, यह बच्ची ईश्वर का आशीर्वाद है, इसे जीवित रहने दो, एक दिन यह तुम सबकी आंखों का तारा बनेगी। माता पिता ने दादी की बात मानकर आशा को जीवित रहने दिया, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वह कितनी खास साबित होगी। आशा बड़ी होकर बहुत मेहनती और बुद्धिमान निकली। उसने पढ़ाई में बहुत रुचि दिखाई और गाँव के स्कूल में सबसे अव्वल रही। वह न केवल पढ़ाई में बल्कि शारीरिक खेलों में भी माहिर थी। उसने गांव के लड़कों के साथ खेलते हुए आत्मरक्षा और तीरंदाजी जैसी कलाओं में निपुणता हासिल की। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी मेहनत और बहादुरी को देखने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव पर एक बाहरी दुश्मनों का हमला हुआ। गांव के सभी लोग डरे हुए थे और कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी आशा ने आगे बढ़कर अपने साहस और चतुराई से दुश्मनों का मुकाबला किया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मनों को भगाया और गांव की रक्षा की। आशा की इस बहादुरी ने पूरे गांव में उसकी पहचान को बदल दिया। जिस परिवार ने कभी उसके जन्म पर दुख जताया था, वही अब गर्व से उसकी ओर देखते थे। उसके माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ और वे समझ गए कि बेटी होना कोई बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल आशीर्वाद है। आशा ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गाँव को यह सिखाया कि लड़की का जन्म किसी वरदान से कम नहीं होता। उसकी बहादुरी और साहस ने सभी को प्रेरित किया और वह गांव की सबसे सम्मानित और प्रिय लड़की बन गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हालात चाहे जैसे भी हों, अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।